हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन जस्ट 4 रोज का डिजाइन है। यही 4 रोज आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 6 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और +1 +2 करना होगा। मल्टीपल ऑफ 6 + 1 + 2। ये डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। स्वेटर, कार्डिगन, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक, जैकेट, क्या आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। इसमें मैंने 6 का मल्टीपल करके 18 + 1 + 2 कर लिया है। टोटल 21 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच। अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से एक फंदा उल्टा धागा पीछे। अब ये 3 फंदों में से पीछे के साइड से ये 3 फंदों में से इस तरह से 5 फंदा निकालना है। 1 या नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है नीडल। 3 फिर या नंबर 4, फिर इसी होल में डालना है नीडल। 5 इस तरह से 5 फंदा निकालना है 3 फंदों में से। 1 2 3 4 5। फिर से ही रिपीट करना है। सॉरी, धागा आगे। अब 2 फंदा उल्टा। 2 अब यही रिपीट करना है। आपको रिपीट करना है 2 फंदों को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 1 फंदा उल्टा। अब 3 फंदों में से 5 फंदा इस तरह से निकालना है। 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदा उल्टा। 1 2। आपको ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है। 1 फंदा उल्टा धागा पीछे। अब फिर 3 फंदों में से 3 फंदा निकाल 5 फंदा निकालना है बैक लुक से इस तरह से। 1 या नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है निडल। 3 फिर या नंबर 4, फिर इसी होल में डालना है निडल। 5 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे। अब 2 फंदा उल्टा। 1 2। फिर से रिपीट करना है। 1 फंदा उल्टा धागा पीछे। और फिर 3 फंदों में से फिर 5 फंदा निकालना है। 1 या नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है निडल। 3 या नंबर 4, 5 3 फंदों में से 5 फंदा निकालना है। 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे। 2 फंदा उल्टा एज स्टिच को भी उल्टा ही बुनना है। सेकेंड रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। सेकेंड रो एक फंदे से स्लिप करिए। अब 2 फंदा सीधा। 1 2 धागा आगे। जो 3 फंदों में से 5 फंदा बनाए थे उसको हम उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे। फंदे को सीधा बुनना है। 1 2 3 3 फंदा सीधा। फिर धागा आगे। और फिर 5 फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे। फिर 3 फंदा सीधा। 1 2 3 फिर धागा आगे। फिर 5 फंदा उल्टा। 1 2
तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे, ये लास्ट का दो फंदा सीधा एज स्टिच उल्टा। थर्ड रो, थर्ड रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, यहाँ से धागा पीछे की तरफ लाइए। अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा, दो का एक करना है आगे की साइड से। अब बीच में तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब ये सीधा फंदा ये उल्टा फंदा, दो का एक करना है पीछे की साइड से। इस फंदे को इस तरह से पलटना है, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, दो का एक करना है आगे की साइड से, फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है धागा पीछे, और दो का एक करना है आगे की साइड से, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा, दो का एक करना है। अब बीच में तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब इस फंदे और ये उल्टा फंदा को दो का एक करना है, इस फंदे को इस तरह से पलटना है, अब दो का एक करना है एक पीछे की साइड से। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है धागा पीछे, अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा, दो का एक करना है आगे की साइड से, फिर बीच में तीन फंदा सीधा, फिर दो का एक करना है ये सीधा फंदा ये उल्टा फंदा, इस फंदे को इस तरह से पलटना है, फिर ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। यहाँ तक आपको तीन डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में एज स्टिच उल्टा। फोर्थ रो, फोर्थ रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। फोर्थ रो एज स्टिच ऐसे उतारिए, अब एक फंदा सीधा धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा रिपीट करते जाना है आपको ये पूरी रो में। एक स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, एक फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, पाँच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे। फिर से रिपीट करना है, एक फंदा सीधा धागा आगे, पांच फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, लास्ट में दो फंदा, एक फंदा सीधा एक फंदा एज स्टिच उल्टा। देखिए डिजाइन फोर रो का डिजाइन है, फोर रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। यही फोर रो आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे। एक बार रो वन स्टार्ट करके दिखाऊंगी। रो वन एक फंदे से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, यहाँ से धागा पीछे, सॉरी धागा आगे की तरफ रखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है रिपीट पैटर्न। एक फंदा उल्टा, अब ये सीधा फंदा को आपको एक फंदा उल्टा बुनना है धागा पीछे। अब तीन फंदों में से फिर पांच फंदा निकालना है, ये तीन फंदों में से पांच फंदा निकालना है पीछे की साइड से। पीछे की साइड से इस तीन फंदों में से पांच फंदा निकालना है, एक या नंबर दो, फिर इसी होल में डालना है नीडल। तीन या नंबर चार, इसी होल में डालना है, फिर पांच।
सॉरी, पांच फंदे इस तरह से निकालना है, तीन फंदों में से, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे। अब दो फंदा उल्टा, अब ये रिपीट करना है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, तीन फंदों में से पांच फंदा बनाना है, फिर एक, फिर दो फंदा उल्टा, आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। धागा पीछे, सॉरी धागा आगे की तरफ रखिए, एक फंदा उल्टा, इस सीधा फंदा को आप उल्टा बुनना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब तीन फंदों में से पांच फंदा निकालना है, ये तीन फंदों में से पांच फंदा निकालना है पीछे की साइड से, एक या नंबर दो, फिर इसी फंद में डालना है निडल, तीन या नंबर चार, फिर इसी फंद में डालना है पांच, सॉरी एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर से रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब तीन फंदा पीछे, फिर तीन फंदा, पांच फंदा निकालना है पीछे के साइड से, एक या नंबर दो, फिर इसी होल में डालना है निडल, तीन तीन, फिर या नंबर चार, फिर इसी होल में डालना है निडल पांच, इस तरह से पांच फंदा निकालना है, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा। यहाँ तक आपको तीन डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट का एज स्टिच उल्टा। देखिए डिजाइन फोर रो का डिजाइन है, यही फोर रो आपको रिपीट करते जाना है आगे आगे, बुनने के बाद ऐसे डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।